सूरज आजाद। बहुत अच्छे भाई, ये तो सिंपल था। अप्रैल साथ में क्या लेके आओ? जेल की यादें ताजा करने कुछ सामान है भाई। हवाई जहाज शास्त्र, एक तकिया और ये लगाओ। हो गया है ये? क्या जेल की सारी चाबियां? तुम्हारे पास चाबियां थी? हाँ, ये एमिट की है, दो दिन पहले उसने गिरा दी थी। अब मैं ये उसे वापस नहीं दे पाऊंगा। मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिलहाल जाना होगा। रुका, ये क्या है? भाई मेरे पास दूरबीन है। ला मुझे दा। मुझे तो ये दुश्मन सेना लग रही है। चलो छुप जा। ये रही साथियों इनकी मशहूर जेल। लेकिन यहाँ कब्जा क्यों करना है मेजर डीएस चंद? ये ऐतिहासिक है, इन्हें बहुत नाज है अपने बेहतरीन पिंजरों पर। हम इस जेल पर कब्जा करके इसे हमारी मुख्य सेना का मुख्य किला बनाएंगे। कैसा रहा? तो जीनियस हो। जेल को चारों तरफ से घेर लो। चलो हम जेल वापस जा रहे हैं भैया। अरे लेकिन क्यों भाई, अभी तो बाहर आए हैं। क्योंकि यहाँ रहे तो हम लोग मारे जाएंगे। घोचो कोई जवाब नहीं आया। दुश्मन सेना ने तार काट दी है। सेना हजारों की तादाद में है। मेरी प्यारी सी जेल पर कब्जा हो जाएगा। शायद हमें उनसे बात करनी चाहिए। ये क्या कह रही हो? ए जलर साहब, मेजर डीएस चांद मिलने आए आपसे। मेजर, आपके रवैये से आपकी महानता का ज्ञान होता है। आपके मिशन रद्द करने के फैसले को मैं सलाम करता हूँ। गार्ड्स, मेहमान का सामान गाड़ी में रख दो। तुम अपना सामान गाड़ी में रख दो जेलर। क्या हम ये बात संस्कारी चाय के साथ करें? मैं कॉफी पीता हूँ, चाय नहीं। हम हार नहीं मानेंगे। तुम कितनी बहादुर हो, तुम्हारी आंखों में क्रांतिकारी भावनाएं हैं। प्लीज बुरा मत मानिएगा, वैसे संस्कारी है लेकिन कभी कभी गुस्सा जाती है। मैडम गर्म मिजाज की है, मजा आ गया। मेजर डीएस चंद शपथ लेता है कि इस जेल पर और आपके दिल पर मैं कब्जा करूंगा। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सही बात है जलर साहब, कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। हम भाग नहीं सकते, सेना ने चारों ओर से घेर रखा है। मेरे पास एक मस्त वाला आइडिया है। क्या? अब्रल ले क्या? लाइब्रेरी से ये बुक मिली है, ये गाड़ी हवा में उड़ती है। भरोसा रखे, हम कर लेंगे जलर साहब। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे अपने जेल से ही भागना पड़ेगा। तो आदत हो गई है। जल्दी से जगह बनाओ। थैंक्स। कोई पॉपकॉर्न खाएगा क्या? जेल वाले भाग रहे हैं, सावधान सावधान। गो चुका इनका मार। हिम्मत कैसे हुई? एक साथ फायर करो।
मिस बेटी, मेरा शेरू। क्या बात है, सीधा मुझ पर लग। ओ, कड़क मिजाजी मैडम। अब हम लोग खतरे से बाहर हैं, चलो भागते। गार्ड्स, बाकी सबका ध्यान रखना। खेल खत्म हुआ डाल्टन्स। पहले अपनी जेल तो बचा लीजिए जलर साहब। अगर मिस बेटी को बचाने में मदद करोगे तो आजादी दे दूंगा। सरकारी तौर पे 100%। ये हुई ना बात। अरे कौन सी बात भाई, आजादी जिंदगी भर की। दिल पक्के, लेकिन आपकी मदद लगेगी। जेल मेरा हुआ, सबके सब कायर निकले हैं। तुम असंस्कारी हो, तुम्हारी वजह से अशांति बढ़ेगी, समझ गए? ये बातें बाद में करेंगे, आओ। पहले आप। कैसे हो चूहे? आओ मैं तुम्हें मेरा घर दिखाता हूँ। काफी दिनों के बाद कोई मेहमान आया है, तुम नाश्ते में क्या लोगे? मैंने दो टिप देना मत भूलना। यकीन नहीं होता जेलर, एक बार फिर से कहो। मैं कह रहा था ना, जेल पर कब्जा हुआ है। क्योंकि तुम वहाँ से भाग गए ना। हमारी मदद करोगे कि नहीं? हाँ, लेकिन 500 साल तक गांव की प्राचीन वस्तुएं खरीदनी पड़ेंगी तुम्हें। 500 साल? बिल्कुल नहीं। तो मेरी तरफ से सिर्फ शुभकामनाएं मिलेंगी तुम्हें। 300 साल चलेगा क्या? शायद दाएं जाने के लिए जो इस रॉड को इस तरह। अरे कोई बात नहीं दोस्त, हम पहुँचे जाएंगे। वैसे भी हम जेल से ज्यादा दूर थोड़े ही आए हैं। इस जादुई दवाई पे मुझे पूरा भरोसा नहीं हो रहा। इसके साइड इफेक्ट्स में कहा है कि तेज गुस्सा आ सकता है, जो तुम्हें तो सबसे पहले आएगा ना। हमें उनसे डेमो मांग लेना चाहिए था। काम ना होने पर पैसे वापस मिलेंगे, वैसे भी कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, मिस बेटी को ढूंढते हैं और कल्टी खाते हैं। ओला, कैसे हो? तुम मिस बेटी का कमरा चेक करो, मैं अपनी ऑफिस में देखता हूँ। मैडम बेटी, तुम्हारी आंखें दो सूरज हैं, जिसकी किरणें मुझ पर गिर रही हैं। हाँ, धूप से चमड़ी जल जाएगी। बकवास बातें बंद करो और जेल हमें वापस कर दो। नहीं दूंगा। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। मेजर ने सारे सिपाहियों को बाहर बुलाया है, जाओ। मंत्री ऑन कंट्री टूर, वक्त है वापस आने का। मिस बेटी अपने कमरे में नहीं है, लेकिन ढूंढते रहो आराम से। भाइयों, वो घोचू एवरल का है।
ये सूप बहुत अच्छा बना है। ये लंबूचंद कभी नहीं सुधरेगा। गुस्सा मत करना भाई, साइड इफेक्ट्स याद है ना तुम्हें? क्या हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? मुझे मिस बेटी नहीं मिली और तो मैं उसके पीछे जो कहा है। हेलो द्वार रक्षक, क्या आप कृपया यह द्वार यंत्र खोलेंगे? कौन कौन डिनर खाएगा? अरे देखा भाइयों, मुझे जो मिल गया। क्या तुम डिनर करोगे भाई? वैसे डिनर कहाँ चला गया? जलर साहब सुन लीजिए, हमसे नहीं होगा, अब कोई रास्ता नहीं बचा। एक रास्ता है, मंत्री जी की ट्रेन इसी तरफ आ रही है, अगर हम उन्हें बता दे तो वो ये परेशानी को ठीक कर सकते हैं। और फिर आजादी। ओ जो डाल्टन, देखिए तो सही। हम लोग कहाँ आ गए दोस्त? लेकिन लाल कपड़ा दिखा के भी तो ट्रेन को रोका जा सकता है ना जो डाल्टन? आपको आसपास कोई लाल कपड़ा दिख रहा है क्या? ओ हाँ, तुमने तो येलो और मैंने ग्रीन पहना है। लेकिन इसने एक का बोला और दो भी नहीं बोला था उसने। अगर साथ में जेलर नहीं होगा तो मंत्री हमें खड़ा भी नहीं रखेगा। अरे जो बताओ, मैं कौन सा पंछी हूँ? इससे अच्छा ये लोग कपड़ा बता देते। ये क्या कह रहे हो? ट्रेन को रोको। मैं जैसे कहता हूँ वैसा ही करो। हमारी सेना के रहने के लिए इलाका बनाओ। हमें घास काटने की मशीन चाहिए होगी सर। ये है मिस्टर जी, जी फॉर गैजेट। ये तुम्हें लेटेस्ट हथियार देंगे। छोटा लेकिन धमाकेदार, इसे तुम अपने शरीर में कहीं भी छुपा के रख सकते हो। इस फूल का हम क्या करेंगे? चिट्ठी, निबंध या स्टोरी लिखना चाहोगे आप? हाँ, लाल रंग के पेन है ये। इस सूटकेस में मिशन को लगने वाले सारे हथियार हैं। सही से इस्तेमाल करना। ये सैंडविच मैं खा सकता हूँ? नहीं, उसे छूना मत। क्या ये फटेगा? नहीं, ये मेरी सैंडविच है, मैं ही खाऊंगा इसे। साथियों, तुम पर देश को भरोसा है। तो अब मिलते हैं कल। कल मिलते हैं। अब मुझे भूख लगी है। मुझे संस्कारी प्रॉमिस करो, ये जेल हमें वापस कर दोगे ना? hey, मेजर डीएस चंद कभी कुछ वापस नहीं देता। मुझे माफ कर दो, मुझे डांस नहीं आता। चूहा भौ भौ नहीं करता, शेरू है ना। अभी उस बिल्ली को मैं मजा चखा कराता हूँ। नहीं, अभी वो बिजी है, मैं बाद में जाऊंगा। होगा फूटा तो पानी में जाएगा। लगता है कुछ फंसा है।
चलो देखते हैं सूटकेस में क्या है। वाह क्या बात है, रात में उजाला दिख रहा है। ये। साथियों हमें दीवार चढ़ कर के अंदर जाना होगा ताकि हम बॉम्ब्स को अंदर रख सके। वैसे ये तो सुपर बेल्ट है ना। अरे मेरे लिए रुको। मैं इस बेटे के पास जाता हूँ, तुम लोग बॉम्ब फ्लैट करो। अरे मेरे लिए रुको। जल्दी करो, थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। ओ, बहुत गर्मी है। तो मैं हवा देता हूँ। गर्मी गायब हो गई है कि नहीं? ये सही में एक नंबर का घोंचू है। हाँ हाँ अभी आती हूँ। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मेजर जल्दी आ जाओ, हमने कुछ जासूसों को पकड़ लिया है। जासूस? जाना होगा। अरे मार डाला। तुम्हें लगा तुम पकड़े नहीं जाओगे? ये क्या सबके सब पकड़े गए? अब सब मुझे अकेला ही करना होगा। काश ये काम कर जाए। तो बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे थे? हम मंत्री जी से मिले और उन्होंने हमें रात में देखने वाले चश्मे दिए और सूटकेस भी। मंत्री जी मेरे खास दुश्मन, वो खुद क्यों नहीं आए यहाँ? असंस्कारी बनना बंद करो। चिंता मत करो, इसके बाद संस्कारी बन जाऊंगा, लेकिन पहले इन्हें निपटा दूं। इतनी जोर से कौन चिल्लाया? ये मैं चिल्लाया था मंत्री, जल्द से जल्द मेरे नागरिकों को रिहा करो। हाँ नहीं किया तो क्या करोगे? मेरी विशाल और शक्तिशाली सेना ने इस जेल को चारों तरफ से घेर लिया, इसलिए अब तुम लोग यहाँ से फटाफट निकलो घोंचुओ। अगर तुम्हारे सैनिक तुम्हारी तरह टिंगू चंद हो तो हम हथियार जाया नहीं करेंगे। समझ गया, बिना दाढ़ी के तुम अच्छे लगते हो। बहुत अच्छी हिम्मत दिखाई भाई, लेकिन अब आगे क्या करना है? आगे तुम्हारे मुंह पे टेप लगानी है। तो तुम्हारा प्लान क्या है? आगे क्या करना है ये तुम पर निर्भर है। वीटो! लो इसे पकड़ो घनचक्का। मैं अच्छी तरह जानता था कि वो मंत्री कोई सेना वेना नहीं भेजने वाला। भाइयों इन्हें आपस में लड़ने दो, हम लोग अब पतली गली पकड़ते हैं। चलो वहीं रुक जाओ, इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा तुम्हें। हम पहुंच गए आखिरकार पीठ, हम जेल पहुंच गए। मेरी सेना चुटकी में नष्ट हो गई। खेल खत्म।
मेजर डीएस चंद, अब चलो निकलो यहाँ से। ठीक है, लेकिन तुम भी मेरे साथ चलोगी। असंस्कारी फिर मिलेंगे। बाय बाय मेरे दोस्त, शेरू को खत लिखते रहना तुम। निष्ठा और बहादुरी। जो डाल्टन, इस देश को तुम्हारी बहादुरी और हिम्मत पर बहुत नाज है। कुछ कहना चाहोगे? नहीं, तुमने पिन मेरी छाती पे मार दिया। तो जेलर साहब, आपने वादा किया था, क्या अब हम आजाद हैं? मैं अपना वादा निभाऊंगा, तुम अपनी सजा से मुक्त होते हो। आजादी। मुझे लगता है किसी की शादी हो रही है। मैंने तुम्हारे जैसा छोटा डॉगी कभी नहीं देखा। मेरे मेहमान हो, बताओ नाश्ते में क्या खाओगे? मेरी टिप मत भूलना। अरे भाइयों, मैंने सूटकेस चुरा लिया, किसी को पता ही नहीं चला। तुम लोगों ने चोरी की, पकड़ो इन्हें। हम लोग तुमको बहुत मिस किया था। खिला कर रहूंगा। आर्मी के हथियार की चोरी, तुम्हें 70 साल जेल की सजा सुनाई जाती है।